फ्रंट वाले डिस्क ब्रेक ना इस बार इन्होंने जो डिस्क पैड डाले हैं वो ऑर्गेनिक नहीं डाले हैं और ना ही सिंटर डाले हैं। और एक ये ना यार दोनों तरफ उस दिन गिरी बाइक, तो ये बिल्कुल लूज हो गया है, ऐसे नहीं था दोनों ही तरफ का। और ये देखो इसने बचाया था उस दिन, काफ़ी इंजन गार्ड काफ़ी काम आता है यार। कमेंट किया था कि भैया ट्रायम्फ की बाइक इतनी कमज़ोर है क्या कि आपका बाइक एक बार गिरा और इसका जो ब्रेक लीवर है ये ब्रेक हो गया, टूट गया, तो चेन सेट जो है वो घस गया है। 10,000 किलोमीटर पर चेन सेट घसना है यार, वो मेरे लिए थोड़ा सा टेंशन की बात है। लेकिन बाइक भाग रही है, ये देखो अब ऐसा लग रहा है ऐसे सो रही थी, अब जाग गई है दिलजीत, मस्त एकदम जकास। बजने वाले 5 और बाहर का मौसम आप लोगों को देख के ऐसा लग रहा होगा जैसे बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, सुहाना मौसम हो रखा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि अगर आप 5 मिनट हार्डली 5 मिनट अगर बिना पंखे के रुकेंगे तो भैया पसीना आना शुरू हो जाता है। वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। आज के ब्लॉग में हम जाएंगे ट्रायम्फ के शोरूम और ये जो आप फ्लोर देख रहे हैं एक्चुअली 3rd फ्लोर है, मेन फ्लोर नहीं है हमारे घर की। तो यहाँ पर आज नए मैट्रेस आए हैं यहाँ के और पीछे वाले बेड के लिए भी। तो ये 3rd फ्लोर पहले हमारे रेंटेड थी और वो रेंटेड हमने थोड़ा खाली करा लिया, अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सामान यहाँ भी शिफ्ट कर लेंगे और उसी के साथ यहाँ पे मेरा छोटा सा स्टूडियो मैंने बना लिया है अपना। तो चलो अब नीचे चलते हैं। तो चलो गाइस रेडी हो गए। ये देखो ये जो राइट हैंड साइड से गिरी थी ये स्क्रैचेस, अच्छी खासी स्क्रैच लगी, ये नहीं टूटा लेकिन ये टूट गया है जो हैंड गार्ड, ये हैंड लीवर है ब्रेक फ्रंट वाला, इसका लीवर टूट गया, ये लगवाना है एक तो। और एक ये ना यार दोनों तरफ उस दिन गिरी बाइक, तो ये बिल्कुल लूज़ हो गया है, ऐसे नहीं था दोनों ही तरफ का। और ये देखो इसने बचाया था उस दिन, काफ़ी इंजन गार्ड काफ़ी काम आता है यार, ये तो कोई यूज़ ही नहीं होता है, इसने बचाया काफ़ी बाइक को दोनों तरफ गिरी जब, दोनों बार। एक बार तो क्योंकि मिट्टी में गिरी थी, अगर आपने मेरा वो ब्लॉग नहीं देखा हो जहाँ पर बाइक 3 बार गिरी एक ही राइड में एक ही दिन में दिल्ली से जिम कॉर्बेट वाली, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और अब चलते हैं बिना देरी के, डस्टी और मड़ी हो रखी है बाइक की हालत, शीशा बंद करती गर्मी लग रही है। गर्मी तो क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिटी है काफ़ी ज़्यादा, ह्यूमिडिटी है, मक्खी लात मार के गई मेरी आँख पे, शीशा नीचे करना पड़ेगा। पता नहीं बाइक आज बहुत भारी चल रही है, बहुत हैवी चल रही है, जैसे पीछे वाला टायर ना कुछ रोक रहा है उसे और मैं रेस दे रहा हूँ तो वाइब्रेट कर रही है बाइक, फुट पैक्स पे काफ़ी फील हो रहा है आज। और ये बाइक मैंने आज निकाली है जिम कॉर्बेट राइड से आने के बाद फर्स्ट टाइम, क्योंकि जिम कॉर्बेट राइड वाले टाइम में ये 2 दिन काफ़ी बारिश में चली थी, सब जगह पानी में, शायद चेन इसकी ड्राई हो गई है तो वो चेन लूप करेंगे, क्लीनिंग भी करवा ही लेंगे लगे हाथों। और जब बाइक लेफ्ट साइड गिरी थी ना तो जो गियर लीवर है जिसे गियर चेंज करते गियर शिफ्ट करते वो भी अंदर घुस गया था, तो वो भी मैंने किसी लोकल शॉप पे जिम कॉर्बेट वाले दिन ही बाहर खिंचवा के थोड़ा बाहर तो करा लिया था, लेकिन वो अभी भी काफ़ी अंदर है तो उसको भी ठीक कराना है। और इसके अलावा किसी एक भाई ने जिम कॉर्बेट वाले फर्स्ट पार्ट पर मेरे कमेंट किया था कि भैया ट्रायम्फ की बाइक इतनी कमज़ोर है क्या कि आपका बाइक एक बार गिरा और इसका जो ब्रेक लीवर है ये ब्रेक हो गया, टूट गया। तो यार देखो इसका सीधा सा रीज़न ये है, ये जो ब्रेक लीवर टूटा ना इसके बाद भी मैं इससे यूज़ कर सकता हूँ बिना प्रॉब्लम के, जितने चाहे लंबे समय तक करना चाहूँ, क्योंकि देखो ये जो ये एक चीज़ जो मैंने इसमें नोटिस की थी बाइक लेने से पहले ही, अगर आप ये वाला भी लीवर देखेंगे तो यहाँ पर एक कट लगा हुआ है, यहाँ पर एक छोटा सा कट बनाया हुआ है, ये कट इन्होंने जानबूझ के बनाया हुआ है, अगर हल्का सा भी बाइक फोल होगा तो ये उस कट से ब्रेक लीवर या गियर लीवर क्लच लीवर या ब्रेक लीवर टूट जाएगा। तो टूटने के बाद भी आप लोग क्या है ना कि राइड कर सकते हो, अदरवाइज ये कट नहीं होगा तो ब्रेक लीवर या गियर लीवर बीच से टूट गया या और आगे से टूट गया तो फिर आप उसको पकड़ ही नहीं पाओगे, गियर शिफ्ट नहीं कर पाओगे, क्लच नहीं दबा पाओगे या फ्रंट ब्रेक यूज नहीं कर पाओगे। तो ये इंटेंशनली ट्रैम्प ने दिया है। और देखो गिर जाए टूट जाए ये सब तो राइड का पार्ट है, लेकिन उसके बाद भी बाइक खड़ी हुए और चल जाए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद भी मुझे इतना ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है क्योंकि मैं सिर्फ 2 फिंगर ही यूज़ करता हूँ फ्रंट ब्रेक के लिए हमेशा से ही। कुछ तो प्रॉब्लम है, जैसे ही मैं रेस दे रहा हूँ ना बाइक में तो पिछले व्हील में वो जो वाइब्रेशन फुटपैक पे ज़्यादा आ रही है और बाइक खींचने में भागने में थोड़ा ना रुक रही है, कुछ तो रोक रहा है इसे, ये भी दिखाना पड़ेगा, मैंने आज से पहले कभी फील नहीं किया है और फुटपैक्स पे वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है आज। ये रहा अपना ट्रायम्फ का सर्विस सेंटर, रॉकेट की अनबॉक्सिंग हुआ है भैया आज। तो चलो भाई बाइक तो रेडी हो गई,
छोटा सा काम कराना था, 1700 रुपये का बिल आ गया। ये मैं घर जाके दिखाता हूँ आपको मैंने क्या क्या कराया है। और बाइक हो गई है बाहर रेडी, टाइम हो गया है 8:15, बिल्कुल नई नवेली चकाचक हो गई है। ये शोरूम वाले पता नहीं कुछ तो करके धोते हैं और पॉलिश वगैरह कुछ लगाते हैं, नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो पता करूँगा। ये जितना भी प्लास्टिक का पार्ट है और इंजन का पार्ट है बिल्कुल चमका देते हैं। देखो यार ये जो टूटे हुए थे ना ये इनके स्प्रिंग डालने थे तो ये स्प्रिंग मिले नहीं। ब्रेक लीवर मैंने लगवा लिया है, चेन लूज टाइट कुछ कर दिया है। एक बड़ा पंगा यार उन्होंने बोला है कि आपके चेन सेट जो है वो घस गया है। 10,000 किलोमीटर पे चेन सेट घसना है यार, वो मेरे लिए थोड़ा सा टेंशन की बात है। और नए चेन सेट की जो वैल्यू है वो है 4 से 4500। अभी तो मैंने बोला यार उसे चेंज मत करो, जो है इसी को चला दो, देखते हैं आगे। क्योंकि इसके जो तित है ना चेन सेट घिसने के बाद तित भी घिस जाते हैं। तित तो आगे पीछे वाले ठीक है क्योंकि आगे से मैंने कुछ दिन पहले खोल के ठीक किया था, तो तित तो ठीक है लेकिन चलाते हैं अभी अच्छे से। आज क्लीन किए, इसके अलावा वाशिंग वाले भैया ने मेरा ए उड़ा दिया है कौशिक के यहाँ से। और बाकी चल के अब देखते हैं, घर जाके आपको बिल बिल दिखा देता हूँ। यही दो तीन चीज़ें, यस रियर डिस्क पैड भी घिस गए थे वो भी चेंज कर दिए हैं, फ्रंट वाले भी घिस गए थे। और फ्रंट वाले डिस्क ब्रेक ना इस बार इन्होंने जो डिस्क पैड डाले हैं वो ऑर्गेनिक नहीं डाले हैं और ना ही सिंटर डाले हैं। वो कौन से डाले हैं मैं घर जाके आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ। बाइक भाग रही है ये देखो, अब ऐसा लग रहा है ऐसे सो रही थी अब जाग गई है। दिलजीत मस्त एकदम जगा। ओ 2 पॉइंट बचे हैं अभी फ्यूल के, लेकिन लो फ्यूल इंडिकेशन शुरू हो गया है, दिख गया है मतलब ऑन हो गया है। ये अभी मैं आया हूँ शर्मा ग्राफिक्स, घर के पास ही है। तो ये ना पहले ऐसे बजता था लॉक करने के बाद भी, मेरा टॉप बॉक्स अभी भी बज रहा है। आ रही है साउंड, बहुत कम आ रही है लेकिन पहले काफ़ी आ रही थी। अंदर ना देखो ये डबल टेप लगा दिया इसने ताकि अब ये थोड़ा टाइट हो जाए। और ये जो ए उतरा था इसको भी देख लेते हैं अगर अभी निकल जाएगा तो। ए लगाया शर्मा ग्राफिक्स पे भाई ने तो के उतर गया, फिर के भी लगाया। एक्चुअली हुआ क्या है, उन्होंने पूरी बाइक को साफ़ करके शोरूम में इस पर पॉलिश वॉलिश मारा जिसकी वजह से ये अच्छा तो लगा लेकिन पॉलिश की वजह से इसकी जो गम है वो ख़त्म हो गई और ये उतर रहा था। तो उसने बोला भैया अगली बार से इतने एरिया में जहाँ जहाँ आपका ब्रांडिंग हो रखी है उसे बोलना पॉलिश ना मारे। और मेरे दोनों बंदर आ गए हैं, कल था अनाया का बर्थडे। और तो गाइस तीन चीज़ें मेरे को शेयर करनी है आज के मेरे सर्विस सेंटर विजिट से रिलेटेड। पहला है बाइक की वाइब्रेशन, दूसरा है बाइक का चेन सेट और तीसरा है बाइक के डिस्क पैड। देखिए दोनों डिस्क पैड का एक एक स्पेयर मैं हमेशा कैरी करता था अपने टेल बैग में ताकि कहीं पे अगर घिस जाए तो मैं उसको चेंज करा लूँ स्पीति राइड पर। फ्रंट डिस्क पैड 5,500 किलोमीटर पर ही घिस गए थे लेकिन अभी जो मैंने रियर वाले डिस्क पैड चेंज कराए हैं वो लगभग 10,000 किलोमीटर चलने के बाद स्टॉक जो कंपनी से आते हैं वो फर्स्ट टाइम मैंने चेंज कराए हैं। उसके बावजूद उनमें काफ़ी माल बचा हुआ था, दो डिस्क पैड में से एक डिस्क पैड में 80% माल घिस चुका था और एक डिस्क पैड में लगभग 60% माल अभी भी बचा हुआ था। तो आई हैव चेंज बोथ द डिस्क पैड ऑफ रियर और जिनकी कॉस्ट है 260 रुपये, 260 रुपये ही जो मैं अभी कैरी कर रहा हूँ इसकी भी है। लेकिन फ्रंट के जो डिस्क पैड है इनकी कॉस्ट जो मेरे पास ये है इनकी कॉस्ट है 420 रुपये। ये ऑर्गेनिक डिस्क पैड है, मैंने हमेशा ही अभी तक ऑर्गेनिक डिस्क पैड ही यूज़ किए हैं। यहाँ पे छोटा सा कैच ये कि इस बार अगर जब मैंने जो डिस्क पैड डलवाए हैं इसकी कॉस्टिंग आई है 600 रुपये। तो मैंने पूछा यार 420 से एकदम से 600 रुपये कॉस्टिंग कैसे हो गई है। उन्होंने बोला भैया ये वाले डिस्क पैड कंपनी ने थोड़े इम्प्रूव करके भेजे हैं और ये वाले जो डिस्क पैड है ये सिरामिक डिस्क पैड है। तो मैंने कहा यार ये अच्छा है, वैसे तो मैं सिंटर्ड का सोच रहा था जो 2800 या 2900 रुपये के आते हैं जो स्पीड 400 में आते हैं, लेकिन उन्होंने बोला सर इसकी बाइट थोड़ा बेटर होगी आप यही डलवा लीजिए। तो ये 600 रुपये के फ्रंट डिस्क पैड मैंने डलवा लिए हैं और इसके बाद मैंने फ्रंट ब्रेक लीवर जो डलवाया था उसकी कॉस्ट थी 453 रुपीज़ और 413 रुपीज़ जो है उन्होंने लेबर चार्जेस ली। टोटल बिल मेरा आज का था 1728 रुपीज़। तो ये था मेरा बिल। इसके अलावा यार एक छोटा सा मेरे को शौक लगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, 10,000 किलोमीटर मेरी बाइक चली है सिर्फ और मेरी बाइक का चेन सेट वो बोल रहे हैं कि घिस गया है। एक्चुअली चेन सेट नहीं घिसा है, चेन के जो फ्रंट और रियर स्प्रॉकेट के जो तित्स हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट है, बिल्कुल ठीक है। वो बोल रहे हैं कहीं ना कहीं गड्ढे में जाने की वजह से चेन कहीं से खिंच गई है और हाई स्पीड में कहीं गड्ढे में गई है और उसकी वजह से चेन खिंच गई है। तो चेन कहीं से लूज़ कहीं से टाइट आपको लग रही है उसी वजह से जो मैंने वाइब्रेशन का पॉइंट आप लोगों को बोला था फर्स्ट, क्योंकि अभी तक मेरी बाइक में बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं थी, फुटपैक्स पे हल्का फुल्का फील होता था। लेकिन आज जब मैं बाइक को राइड कर रहा था तो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन फील हो रही थी दोनों फुटपैक्स पे। मुझे लगा यार दोनों फुटपैक्स के स्प्रिंग टूट गए हैं तो इस वजह से फील हो रहा होगा, लेकिन नहीं,
ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला चेन सेट, और चेन सेट की कॉस्ट 4 से 4,500 रुपये है, और इसके अलावा लेबर चार्जेस भी अलग से लगेंगे। तो ये मेरे को थोड़ा सा एक हर्ट हुआ कि 10,000, और मैं हमेशा ल्यूब और क्लीन करके चलता हूँ, हमेशा एक अच्छा खासा बड़ा चेन ल्यूब अपने साथ अब कैरी कर रहा हूँ। पहले छोटे वाला कैरी करता था, ड्राई चेन में कभी नहीं चलाता था, या लोकल शॉप पे ऑयलिंग में करा लेता था हल्की हल्की, ज़्यादा ऑयल कराने से ऑयल जो टपकता है साइलेंसर पर उससे जलने की स्मेल आती है। तो ये सब आज की ऑब्जर्वेशन थी। हो सकता है अभी चेन सेट मैंने क्लीन कराने के बाद तो बाइक अच्छी चल रही है, उतना ज़्यादा टाइटनेस फील नहीं हो रहा है, क्योंकि जब मैं शोरूम जा रहा था, सर्विस सेंटर जा रहा था, तब रियर व्हील बिल्कुल टाइट, बिल्कुल जैसे किसी ने जकड़ रखा है, बाइक भागी नहीं रही थी, मैं रेस दे रहा था और सिर्फ वाइब्रेशन जो है बाइक क्रिएट कर रही थी। तो अभी मैंने सिर्फ वहाँ पे चेन को क्लीन कराया, मैंने ल्यूब नहीं किया, मैंने कहा आप इसे थोड़ा सूखा ही चलने दीजिए, घर जाके अभी कल सुबह तो या मैं इसको ल्यूब कर लूँगा। तो देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या होता है, जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। और अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो आज का छोटा सा, तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर लेना लाइक। मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग में, आज के लिए आपका लगी।